हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी देखो शाम हो गई है, शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं अभी शाम को सो गई थी 5 बजे और अभी भी मैं उठी हूँ। ये मैंने कपड़े धुल के रखी थी, देखो मशीन में सुखा के, अभी तक मैंने डाली नहीं रस्सी पे। ये अभी ये कपड़ों को मुझे डालना है रस्सी पे, ऐसे ही पड़े हैं ये सोफे पे। नुमान को सुलाते सुलाते मैं अभी सो गई। अभी ये कपड़े डालना है और 6:30 बज गए हैं। मैं जा रही हूँ अपना एनर्जी ड्रिंक लेने की फटाक से, और अभी मुझे दवा खाना जाना है 7 बजे, तब तक मुझे सारे काम करने। और मैंने बर्तन भी नहीं धुली हूँ, देखो किचन में बर्तन पड़े हैं, फटाफट से मुझे बर्तन साफ करना है, खाना आकर के बनाऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 2 तारीख, 2 फरवरी है आज, और सुबह हो गया है, सुबह के 9 बज रहे हैं। और देखिए आज मैं नाश्ते बनाने जा रही हूँ, लौकी का, लौकी के पकौड़े। ये मैंने इसका घोल बना के रख ली हूँ बेसन का, इसमें नमक और लाल मिर्च डाल के, और ये लौकी को मैं छील के काट लेती हूँ पतला पतला स्लाइसेस में। कढ़ाई रख दी मैंने और ये तेल डाल दे रही हूँ। और ये देखो मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में काट ली हूँ लौकी को, काट के धो के रख ली हूँ, तब ये तेल गर्म होता है। बात है, देखिए मिठाई फातिया करा के आ गई है, सारा दबा दिए हैं, इतना बचा के घर पर लेकर आए हैं। अरे मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए पपीता काटने के लिए, और तेल गर्म हो गया है। ज़्यादा गाढ़ा बैटर नहीं बनाई मैंने, ऐसे पतला बैटर बनाई हूँ। ये देखिए मैं इसको एक बार हाफ फ्राई करके निकाल लूँगी, फिर उसके बाद में दोबारा फ्राई करूँगी मैं, तो एकदम पूरे क्रिस्पी से पकौड़े बनेंगे। मैं दूसरा बैच डाल दे रही हूँ, एक मैंने निकाल के वहाँ रख ली हूँ। ये देखिए दोस्तों, सब जन नाश्ता करके चले गए हैं और मेरे दोनों बच्चे अभी तक सो रहे हैं। देखिए ये भजिया और चाय बनाई थी मैंने, ये आलू के पकौड़े हैं और ये लौकी के पकौड़े हैं। सजा नाश्ता करके चले गए हैं, पकौड़े और चाय बनाई थी मैंने, और ये किचन पूरा गंदा सा फैला है, इसको साफ़ करना है मुझे। और ये देखिए मेरे दोनों बच्चे अभी सोए हैं, ये 3 बजे तक जाग रहा था छोटा वाला, इसलिए मैं इसको उठा नहीं रही हूँ। और वो कल पिकनिक पे गया था, रात को 9 बजे आया है, खाना वाना खा के सोया है, इसलिए मैं उसको आज ट्यूशन भी नहीं भेजूँगी, आज स्कूल भी नहीं भेजूँगी, क्योंकि थका हुआ है वो। तब तक मैं अपना किचन का काम कर लेती हूँ फटाफट से, किचन साफ़ हो जाएगा तो दिमाग भी कुछ काम करेगा कि खाने में क्या बनाना है, कैसे बनाना है। और कल मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, और देखिए मेरे दाँत लग गए हैं, यहाँ के मैंने एक दाँत उखड़वाई थी लेकिन 3 दांत लगाए हैं सपोर्ट करके, देखिए एकदम रियल दांत लग रहे हैं कई। ये देखिए मैं जाती थी किचन साफ करने के लिए, और तब तक ये उठ गए हैं साहेबजादे, और उठ के परेशान कर रहे हैं मुझे, इनको गोद में लेके बैठे रहो, इनका यही नाटक है, देखिए कैसे देख रहा है। कौ चाय नहीं पीना, पहनोगे? देखिए ये इसके अब्बू कल एक चैन लेके आए थे, ये चांदी की चैन है, दिखा बेटा। इसको लेके बोल रहा है ये मेरा चैन है, पहनोगे? पहनोगे? देखिए बोल रहा है ये मेरा है, ये मेरा है। हाँ ठीक है, तुम्हारा है? हाँ ठीक है, मेरा है।
ये देखिए मैं झींगा बना रही हूँ। झींगे में इसमें मैंने क्या बोलते हैं मेथी डाल के तड़का दी हूँ और ये प्याज को गोल्डन ब्राउन कर ली हूँ। और इसमें मैंने धनिया मिर्चा अदरक लहसुन प्याज सब पीस ली हूँ सरसों डाल के। झींगे में सरसों का मसाला जाता है। और ये है एक चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर आधा चम्मच ये इसमें डाल दे रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिलाऊंगी। अच्छी तरीके से मसाले को भून के बनाने का है। और ये झींगा और आलू को मैंने डीप फ्राई करके निकाल ली थी एकदम अच्छे से गोल्डन करके। और मैं साथ साथ में गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी। ये गोभी डीप फ्राई की थी मैंने और ये आलू को भी डीप फ्राई करके रख ली हूँ पहले से ही। और इसमें थोड़े से वटाने डालूंगी मैं हरे वाले। और ये मसाला पीस रही हूँ मैं गोभी के लिए। ये देखिए और ये मैं जा रही हूँ गोभी की सब्जी बनाने के लिए। तेल गरम हो गया है, अब इसमें ये मेथी के दाने डाल देती हूँ मैं। ये देखो कड़क रहे हैं। और अब मैं इसमें प्याज डाल दे रही हूँ, दो मीडियम साइज के प्याज दी थी मैंने। ऐसे चला लूँगी अच्छी तरीके से। का मसाला है, मसाले में है धनिया मिर्ची अदरक लहसुन और खड़े गरम मसाले, जीरा मरीच, लौंग इलायची, दालचीनी, खसखस, ये सब है इसमें खड़े गरम मसाले। सबको मैंने ग्राइंड कर ली हूँ अच्छे से। और ये सूखा मसाला है, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच आधी चम्मच हल्दी लाल मिर्च पाउडर है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर है, ये भी मैं इसमें डालूँ। ये देखिए झींगे का मसाला है, ये पक रहा है धीमी आंच पे आराम से धीरे धीरे। ये देखिए प्याज लाल हो गया है और इसमें मैं डाल दे रही हूँ मसाले। और यहाँ साइड में तेल में डाल मिर्ची का पाउडर डाल दूँगी। तेल में मिर्ची का पाउडर डालने से सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। मैंने डायरेक्टली नहीं डाली हूँ ताकि जले ना। और इसमें टमाटर काट के डाल दी थी मैंने, साथ में डाल दी हूँ इसको मिला के। ये मैं सब्जी में डाल दी और ये धीरे धीरे पकेगा आराम से। इसको टमाटर है मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इसको अच्छे से भुनना है। मसाले की जितनी अच्छी भुनाई करेंगे सब्जी या चिकन मटन या कुछ भी, जितना अच्छा मसाला भुनता है उतनी अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है। ये एक कटोरी मटर है मैं मसाले में डाल देंगी, ये पका करेगा क्योंकि गोभी और आलू पके हैं आधा, बस थोड़ी सी कसर है उसमें क्योंकि उसको मैंने डीप फ्राई की थी। अब ये मटर को ऐसे पका लूँगी, इसमें मसाले के साथ साथ मटर भी पक के जाएगा। ये देखिए अभी मैंने कितने बर्तन जमा हो गए, बर्तनों में जैसे कितनी बरकत हो जाती है खाना बनते बनते। ये देखिए मसाला भुन गया था तो मैंने इसमें झींगा और आलू दोनों डाल दी हूँ और इसको भून रही हूँ। और अब मैं इसमें ये डाल दूँ देखिए मैं इसमें एक चम्मच नमक डाल रही हूँ अपने स्वाद के हिसाब से, डेढ़ चम्मच लगेगा मुझे। और ये एक चम्मच झींगे में डाल रही हूँ, झींगे में नमक रहता है, थोड़ा सा और डाल दे रही हूँ। ये देखिए मेरी सब्जी का फाइनल लुक, ये है आलू गोभी की सब्जी। देखिए कितनी टेस्टी दिख रही है। और ये है झींगे की सब्जी, एकदम देखिए ऊपर तरी वाली सब्जी है, ये ऊपर तरी आई है। ये देखिए रात हो गई है और रात के 8 बज रहे हैं और बनाने जा रही हूँ खाना। सब्जी तो दोपहर की सब्जी है और मैं सिर्फ ये चावल बना रही हूँ। चड्डी नहीं पहनेगा।
तो दोस्तों अभी रात के 12 बज रहे हैं, हम लोग का खाना पीना सब कुछ हो गया है, थोड़े गपशप किए बैठ के, थोड़ी टीवी देखी है और अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, बाय बाय।